हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। रणथंभौर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो अपने क्लास रहेगी, जैसे कि आपको ये अपना स्पेशल सेगमेंट है और स्पेशल अपने बैच स्टार्ट किया है फॉर राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन और आने वाले जो RS MSSB की जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपकी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मुकेश सैनी। तो अपन जो है कंटिन्यू कर रहे थे RCC के अंदर, और RCC के अंदर अपन पढ़ रहे थे, वो अपना टॉपिक चल रहा था कंक्रीट, जिसको अपन पढ़ रहे थे। और कंक्रीट के अपन ने रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ लिया था, सीमेंट के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत कंक्रीट के बारे में भी अपन ने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस कर लिया था। ठीक है, जिन्होंने जिनकी क्लासेज जो मिस हो गई है तो अपना जो लेक्चर नंबर 1 RCC का, लेक्चर नंबर 2 RCC डिजाइन का जाके देख लिए। ठीक है, मैं जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन जो लास्ट क्लास के अंदर चल रहा था, और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो है कंक्रीट की जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर अपन चल रहे थे, और कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने कंक्रीट की पढ़ ली थी, जैसे कि अपन ने कंक्रीट का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, और भी कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनके बारे में अपन ने जो है डिटेल से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, यानी कि अपन ने जो है जैसे कि उसका स्पेसिफिक वेट था, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ थी, तो उसके बारे में अपन जो डिटेल से डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज अपने आती है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज अपना है वो है इसकी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको लिखेंगे आप जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या इसको कहेंगे आप, इसको लिख सकते हैं डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको लिखेंगे अपन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या इसी को ही अपन बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, कंक्रीट, तो सारे वर्ड जो है आपके सेम है। ठीक है, चाहे आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन की अगर बात करें, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की अपन बात करें, या बात करें यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो ये सारे वर्ड आपके सेम है। तो इसके बारे में अपन जो है बात करते हैं कि जो अपन कंक्रीट जब पढ़ रहे थे, और कंक्रीट के अंदर अपन ने एक चीज देखी थी, वो क्या थी कि कंक्रीट जो होता है अपना, एक जो है कंक्रीट जो है अपना वो क्या है, कंक्रीट अपना एक ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, कंक्रीट अपना क्या है, ब्रिटल मटेरियल है, मटेरियल। तो कंक्रीट अपना ब्रिटल मटेरियल है, एक तो ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा, अगर बात करूं मैं कि ये क्या अपना नॉन इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, नॉन इलास्टिक आपका ये मटेरियल है। अगर थर्ड की मैं बात करता हूं, तो तीसरी इसके अंदर एक और कंक्रीट के अंदर क्या है, वो होता है कि ये आपका नॉन लीनियर है। ठीक है, क्या है अपना, ये नॉन लीनियर मटेरियल है। ठीक है, तो यहां से अपन को एक बात पता चलती है, वो ये है कि जब अपन हुक्स लॉ की बात करते हैं, ठीक है, तो हुक्स लॉ अपन को क्या दिखाता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, तो यहां से, और हुक्स लॉ अपन से कहता है कि आपका जो स्ट्रेस जो रहता है, अगर स्ट्रेस की मैं बात करूं, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपना क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। जब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, तो यहां से मेरे पास में एक चीज निकल के आती है कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, और यहां पे अपना क्या निकल के आता है, एक कांस्टेंट निकल के आता है, जिसको अपन लिखते हैं ई से। ठीक है, और ये हो जाता है आपका स्ट्रेन। ठीक है, ये हो जाता है अपना स्ट्रेन। तो अगर अपन को यहां से अगर ये प्रोपोर्शनलिटी आते हैं, तो ये ई क्या है, ये ई जो आपका कांस्टेंट आया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर अपन बोलते हैं जो आपके यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, किसके अगर जो है अपन बात करें कंक्रीट के लिए, तो इसको मैं ई सी से डिनोट कर सकता हूं, तो ई सी मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो यहां से अपन को जो है क्या निकल के आ गया, अपना आ गया निकल के यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपना जो हुक्स लॉ क्या कहता है, हुक्स लॉ अपना जो कहता है कि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि कंक्रीट आपके ब्रिटल मटेरियल है, ठीक है, नॉन इलास्टिक मटेरियल भी है और नॉन लीनियर भी है। वो कैसे है कि अगर यहां से मैं एक जो है ग्राफ ड्रा करते हैं, एक ग्राफ में यहां से आपके पास में ड्रा करता हूं, वो आपका जो है एक तो स्ट्रेन, ठीक है, और एक
स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेन और स्ट्रेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पे ये आप लोग आप जो इसको देखेंगे कि स्ट्रेन को अपन ने किससे लिखा है, एसी से, और ये स्ट्रेस को मैं लिख देता हूँ सिग्मा से, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है कि अपन ने कि ब्रिटल मटेरियल और नॉन इलास्टिक मटेरियल और नॉन लीनियर है। तो अपना जो हुक्स लॉ कहता है कि कोई भी आपका जो मटेरियल है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेन की बात करता हूँ और यहाँ से अगर मान लो कि मैं स्ट्रेस की बात करता हूँ, तो एक मटेरियल जो है अपनी एक लिमिट तक तो क्या करेगा, वो इलास्टिक लिमिट में रहेगा। उसके बाद में अपना जो है कुछ इस तरीके से आपका फेल होता है। अगर मैं जो है स्टील की मैं बात करता हूँ, ठीक है, स्टील की अगर अपन बात करते हैं तो आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम बनता है, ठीक है, अपना इस तरीके से ग्राफ बना होता है। तो यहाँ तक की लिमिट जो होती है इसको बोलते क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, यानी कि यहाँ तक अगर इसको इस जगह इस लिमिट तक लोड लगाया जाए और यहाँ से अगर मान लो कि लोड रिमूव कर दिया जाता है तो ये अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं क्या, इलास्टिसिटी। तो और इसके बाद में जो आपका मटेरियल प्लास्टिक की ओर डिफॉर्म होता जाता है और यहाँ पे जाके आपका क्या होता है, यानी कि आपका जो अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है। तो अगर मैं कंक्रीट की मैं बात करता हूँ, तो कंक्रीट के अंदर अगर अपन स्ट्रेस और स्ट्रेंथ कर्व की बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का कर्व आपको ड्रॉ हुआ मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का आपका एक कर्व ड्रॉ होता है। तो उसके अंदर क्या होती है कि यहाँ तक जो आपके इसको अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपनी क्या होती है इनिशियल स्ट्रेसेस तक, इनिशियल स्ट्रेसेस तक, तो इसके अंदर क्या रहेगा आपका जो थोड़ा सा इसके अंदर क्या रहेगी लीनियरिटी रहेगी, उसके बाद में आपका जो है ये बिल्कुल लीनियर नहीं रहेगा। अब ये क्या नॉन इलास्टिक, आपको पता है कि अगर इसके ऊपर से लोड अगर अपन हटा देते हैं तो आपका क्या होता है ओरिजिनल शेप में भी नहीं आता है, ठीक है, और नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब है कि अगर इसके ऊपर से अगर अपन लोड रिमूव किया तो ये क्या रहेगा, ये अपना जो है इस स्थिति में ओरिजिनल स्थिति में नहीं आता है, कुछ इस तरीके से आपका जो इसका सिचुएशन आ जाती है। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये अपना क्या होता है कि ये अपना क्या है, एक तो ब्रिटल मटेरियल है, एक आपका नॉन इलास्टिक है और एक आपका नॉन लीनियर है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपके समझ में आएगा, चलो ठीक है, इसको उतार लीजिएगा। अब बात करते हैं कि आपके जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसकी जो वैल्यू है वो आपकी क्या रहेगी, यानी कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपका क्या होता है, उसकी जो वैल्यू कितनी होती है। तो अगर अपन जो है एक थ्योरेटिकली डेरिवेशन की बात करें, ठीक है, थ्योरेटिकली डेरिवेशन की अगर मैं बात करता हूं तो आपका क्या होता है, एक तो होता है आपका इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है, इसको डायग्राम कैसे कैसे बना लेने दो। और यहां से अपन बात करते हैं कि जो आपकी जो स्ट्रेन होती है, ये स्ट्रेन आपकी दो तरीके की होती है, ठीक है, उसके बारे में अपन जो फिर बाद में बात करेंगे कि आपकी जो स्ट्रेन है वो आपकी क्या होती है, दो तरीके की होती है। आपका जो है डायग्राम है, ठीक है, सॉरी ये लाइन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये स्ट्रेस है, ठीक है, ये स्ट्रेस है और इसको सिग्मा से अपन ने डिनोट किया है। तो इसके अंदर जो है अगर अपन बात करते हैं किसकी, थ्योरेटिकली की, तो थ्योरेटिकली के अंदर क्या होता है, एक तो आपका आईटीएम, ठीक है, एक होता है आपका टीएम और एक को अपन लिखते हैं इसके अंदर एसएम। तो ये क्या है, देखो इनका जो आप थोड़ा सा मेन समझना, ये क्या होता है अपना, ये होता है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस। जब अपना जो ये टेंजेंट, यानी कि अगर बात करता हूँ कि यहां तक अपन मान रहे हैं कि इसके अंदर कुछ लिनियरिटी आ सकती है, तो अगर यहां से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, इसको मैंने नाम दे दिया इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। टीएम की अगर मैं बात करता हूँ तो टीएम क्या है, ठीक है, टीएम अब यहां से इसके अंदर कुछ ना कुछ एक पॉइंट मान लिया मैंने, ये पॉइंट अपना क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया अपना स्पेसिफाइड स्ट्रेस लेवल। यहां से अगर इसकी बात करता हूं तो ये अपना हो गया स्पेसिफाइड स्ट्रेस लेवल, यानी कि इस लेवल तक इसके अंदर स्ट्रेस जा सकता है। और यहां से मैंने क्या कर दिया, एक टेंजेंट यहां से डाल दिया और इसको नाम दे दिया मैंने टीएम, टेंजेंट मॉडुलस, ठीक है। और सेकेंड मॉडुलस अपना क्या होता है कि यहां से जब इसके ऊपर से लोड अगर अपन हटाते हैं, ठीक है, तो एक कुछ इस तरीके से आपका जो है लाइन ड्रॉ होती है यहां से, ठीक है, तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंड मॉडुलस, ठीक है, इसको एसएम नाम दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है कि ये तीनों अपने यहां से आपको जो इस ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहे होंगे। अब अगर मैं बात करूं किसकी, अपन बात करते हैं स्ट्रेन की, अपन क्या बात कर रहे हैं स्ट्रेन की, तो स्ट्रेन आपकी यहाँ पे दो तरीके की हो सकती है, दो तरीके की आपकी स्ट्रेन हो सकती है। एक होती है आपकी जिसको अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है, शॉर्ट टर्म इलास्टिक स्ट्रेन, और एक होती है आपकी लॉन्ग टर्म इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है, लॉन्ग टर्म इलास्टिक स्ट्रेन। तो दोनों के अंदर फर्क क्या है, देखो कि जब भी कोई स्ट्रेन आती है जो शॉर्ट टर्म जो आपकी इलास्टिक स्ट्रेन होती है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस जो आपका स्ट्रेस आता है, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस आपका जो लोड आता है उसकी वजह से जो आपकी स्ट्रेन डेवलप होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है शॉर्ट टर्म इलास्टिक स्ट्रेन। लॉन्ग टर्म की मैं बात करता हूँ कि जब कॉन्क्रीट के अंदर आपका जो कॉन्क्रीट बहुत ज्यादा पुराना हो जाता है, एक साल उसको हो गया, छह महीने उसको हो गया, तो उसके अंदर क्या होता है, कुछ क्रिप का और श्रिंकेज का इफेक्ट आता है, ठीक है, क्रिप का और श्रिंकेज का इफेक्ट आता है।
तो उसकी वजह से, क्रीम की वजह से और श्रिंकेज इफेक्ट की वजह से आपको क्या होता है उसके अंदर लॉन्ग टर्म जो है आपकी स्टेन उसके अंदर आती है। और आपको पता है कि स्टेन क्या होती है, स्टेन आपकी होती है यानी कि अगर किसी आपका जो पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर लोड लगाया जाता है तो उस लोड की वजह से उसके अंदर जो डिफॉर्मेशन आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेन बोलते हैं। तो यानी कि कोई भी आपका कॉन्क्रीट है तो कॉन्क्रीट के अंदर आपके क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट जो डिफॉर्मेशन आता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं लॉन्ग टर्म इलास्टिक स्ट्रेन, या उसको बोलते हैं अपन क्रीप की वजह से जो आता है। तो अब अपन ने यहां से बात करी और इसको जो डिनोट किया अपन ने, इसको अपन ने डिनोट किया तो जो शॉर्ट टर्म इलास्टिक स्ट्रेन, तो शॉर्ट टर्म इलास्टिक स्ट्रेन जो आपकी है तो उसकी वजह से जो आपके इसके अंदर स्ट्रेन जो जनरेट होती है उसको अपन बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं अपन स्टैटिक इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या उसको अपन कह सकते हैं स्टैटिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या उसको अपन कह सकते हैं स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां से तीन वर्ड आपको निकल के आते हैं कि या तो उसको बोल दो स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या उसको बोल सकते हैं अपन स्टैटिक इलास्टिसिटी डिफॉर्मेशन, या उसको बोल सकते हैं अपन स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, जिसको अपन ईसी से लिखते हैं। तो यहां से आप जो नोट डाउन यहां से लिख लीजिएगा कि आपकी जो ईसी की जो वैल्यू होती है, अब ये तो बता दिया मैंने थ्योरेटिकली वैल्यू आपको किस तरीके से आती है, ठीक है, थ्योरेटिकली आपकी वैल्यू जो है वो किस तरीके से आती है। अब बात करते हैं किसकी, लॉन्ग टर्म की, ठीक है, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। या इसके लिए अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ITM, TM और SM, ठीक है, तो इनको आपको ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही इनको जो याद रखने की आपको जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों आपका जो ये थ्योरेटिकली डेरिवेशन है और थ्योरेटिकली डेरिवेशन के अंदर अपना इतना ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने पास में IS 456 2000 कोड है, ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि अपने पास में IS 456 2000 कोड है। ये कोड अपन को क्या बोलता है, ये कोड अपन को कहता है कि जो वैल्यू थ्योरेटिकली है या कुछ इंपेरिकल फॉर्मूला से या कुछ एक्सपीरियंस से जो वैल्यू आती है वो इसके अंदर नोटेड है सारी, ठीक है। और जब भी आपको कोई डिजाइन करनी हो तो इस कोड का आप जो रेफरेंस लेंगे, ठीक है, इस कोड का आप जो रेफरेंस लेंगे। तो अगर इस कोड के रेफरेंस की अगर मैं बात करूं कि किसके टर्म में, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टर्म में, तो यहां से ईसी, ईसी की जो मैं बात करता हूं तो ईसी अपना क्या हो जाएगा, ईसी अपना हो जाएगा, ईसी अपना क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5000 रूट एफ सी के, ठीक है, किसके अनुसार, ये हो जाएगा अपना अकॉर्डिंग टू IS 456 के क्लास नंबर 6.2.3.1 और पेज नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका 16, ठीक है, इस कोड के अकॉर्डिंग 6.2.3.1, ठीक है, पेज नंबर 16 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं तो अपना क्या है, आपकी जो ईसी की वैल्यू आती है 5000 रूट एफसी के। अगर आपके पास में ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट यानी कि एफसी के क्या अपना यहाँ पे एफसी के जैसे कि M20, M25, M30, ठीक है, या M15 या M40, कुछ भी वैल्यू अगर आपकी ग्रेड दी हुई है कॉन्क्रीट की तो उसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकाल सकते हैं, ईसी यहां से निकाल सकते हैं, यानी कि ये अपना क्या हो जाएगा, स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट, यानी कि जिसको अपन कह सकते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसी को अपन बोलते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब कई बार जो है आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे कि एसएससी जूनियर इंजीनियर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 नहीं देखे, उन्होंने क्या किया, IS 456 कोड तो आपका वही है लेकिन ये क्या आपका टाइम टू टाइम क्या होता है, अपडेट होता रहता है। पहले 1978 था, उसके बाद 2000 आया, 2007 आया, अब जो है आपका 2016 भी आ चुका है, ठीक है। तो यहां से तो IS 456 2000 और इससे पहले जो अपना कोड था वो कोड था अपना, यहां से जो इसको मैं मिटा देता हूं और यहां से आप लिखेंगे जो अपना इससे पहले वाला जो कोड था और उस कोड का नाम था IS 456 1978, ठीक है, 1978 जो अपना कोड था, तो उस कोड के अंदर 1978 उस कोड के अंदर आपका जो है ईसी की जो वैल्यू थी, और ये कोड आपका किस पे बेस्ड था, ये कोड था आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड था। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के अंदर अपन ईसी की वैल्यू क्या रखते थे, वो होती थी अपने 5700 रूट एफ सी के, ठीक है। और जो ये दोनों जो वैल्यू मैंने डायरेक्ट कोड से उठा के रखी है, ठीक है, इनको अपन जो है एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। और एम्पेरिकल फॉर्मूला आपका जो है किसी, इसकी जो एम्पेरिकल जो फॉर्मूले होते हैं इनकी कोई
थ्योरेटिकल डेरिवेशन नहीं होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन नहीं होती है, ठीक है, थ्योरेटिकल डेरिवेशन इनकी नहीं होती है, ये आपके एक्सपीरियंस बेस्ड पे आते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या स्टैटिक इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या फिर मैं बात करता हूं स्टैटिक यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो आपका क्या होता है, अकॉर्डिंग टू, अगर आपसे पूछा जाए आईएस 456/1978 के अकॉर्डिंग, तो आपको हो जाएगा 5700√FCK, अगर आपसे पूछा जाए आईएस 456/2000 के अकॉर्डिंग, तो आपका हो जाएगा E=5000√FCK, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अपन कि जो आपने सर स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर ली, तो इसके अलावा भी कोई और भी होती है क्या? जी बिल्कुल होती है। वो क्या होती है कि आपका एक होती है स्टैटिक, अगर स्टैटिक की बात करता हूं तो क्या होगा आपका इनर्शियल लोडिंग के लिए की बात कर ली मैंने, क्योंकि यहां पे क्या है आपका इनर्शियल एक लोड आ रहा है। अगर अपन बात करते हैं कि उसके अंदर आपका जो स्ट्रक्चर है वो काफी टाइम के लिए अगर अपन ने बनाया है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, उसके अंदर अपन एक इफेक्टिव आपका क्या होगा इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की उसके अंदर बात करेंगे। तो यहां पे जो आप लिखेंगे इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, और इसको जो मैं लिख देता हूं ECE से, ठीक है, ECE से लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है ये सर, आपके सर आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये क्या होता है, ये होता है कि जब अपना जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के अंदर अगर अपन क्रीप को कंसीडर करते हैं, ठीक है, क्रीप को अगर कंसीडर करते हैं, तो उस केस में अपनी जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो होती है अपनी इस जो है इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या जो है इफेक्टिव यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। कि सर इसका जो इसका भी कुछ फॉर्मूला होता है कि जी हाँ बिल्कुल इसका फॉर्मूला होता है, वो आपका होता है ECE इज इक्वल टू EC upon 1 plus theta, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है किसका ECE का। कि सर ये फॉर्मूला तो कभी देखा ही नहीं है, बिल्कुल देखा होगा आपने, ठीक है, यहाँ पे क्या है ये आपका है ECE is equal to EC की वैल्यू आपको पता है 5000√FC की होती है जो अपन डिजाइन के अंदर यूज करेंगे, ठीक है, और 1 plus theta। कि सर ये थीटा क्या है, ये जो थीटा है यही आपका क्या है, इसी को अपन बोलते हैं क्रीप कोफिशियंट, ठीक है, यही क्या है आपका क्रीप कोफिशियंट, ओके, ठीक है। तो ये आप जो नोट डाउन कर लीजिए कि आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है किसका इफेक्टिव मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वो क्या है आपका EC upon 1 plus theta, ठीक है, ये होता है अपना क्रीप कोफिशियंट। अब सर की ये थीटा की वैल्यू कहां से लाए, क्रीप कोफिशियंट कहां से आएगा, चलो ठीक है इसी की बात कर लेते हैं। तो आपका जो क्रीप होता है, क्रीप की अगर मैं बात करता हूं तो क्रीप क्या होता है, ठीक है, तो अपन जो है नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है कॉन्क्रीट की वो होती है अपनी क्रीप, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अपन बात करते हैं तो वो क्या होती है क्रीप, चलो ठीक है नोट डाउन करिए क्रीप, ठीक है, क्रिप क्या होता है, ये बेटा होता है अपना एक टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट होता है, क्या होता है टाइम डिपेंडेंट कंपोनेंट, ठीक है, तो टाइम डिपेंडेंट अपन कंपोनेंट की बात करें तो यहां पे लिख सकते हो आप इट इज टाइम डिपेंडेंट, ठीक है, कंपोनेंट, ठीक है, टाइम डिपेंडेंट आपका कंपोनेंट रहता है कि जैसे जैसे आपका जो कॉन्क्रीट पुराना होता जाता है उसके अकॉर्डिंग जो आपका ये बढ़ता जाता है, ठीक है, तो इसके कुछ आपके कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसके अगर मैं कोफिशियंट की मैं बात करता हूं तो आपका जो कोफिशियंट क्या होता है कोफिशियंट ऑफ क्रीप, यानी कि क्रीप कोफिशियंट की अगर बात करें तो आपका जो क्रीप कोफिशियंट होगा वो आपका होता है क्या, वो होता है आपका क्रीप कोफिशियंट की अगर मैं बात करता हूं तो आपका हो जाएगा अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेंथ, ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट जो आपका होगा क्रीप कोफिशिएंट आपको क्या होता है वो होता है आपका अल्टीमेट क्रीप, या इसको कह सकते हैं अपन अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन, ठीक है, कि सर इसको किससे डिनोट करते हैं, जी हाँ बिल्कुल इसको जो है थीटा से डिनोट करेंगे, ठीक है, इसको किससे डिनोट करते हैं
थीटा से। सर इसकी वैल्यू कहां से लाएंगे, अपन को तो पता ही नहीं अल्टीमेट क्रिप स्ट्रेंथ क्या है, इलास्टिक स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। तो आपको इसके बारे में ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों जो लोड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास में IS 456-2000 है, ठीक है। क्यों लोड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास में IS 456-2000 कोड है, ठीक है। कि सर ये कोड आप बात कर रहे हो कि सर ये कोड है, तो कोड है तो क्या है, अपने पास में इसकी वैल्यू भी है, थीटा की वैल्यू भी है, और अपन ने देखा है इसको कि टाइम डिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं बात करता हूं अपना जो कोड कहता है, कोड का क्लास नंबर, इसके क्लास नंबर भी आप जो नोट कर सकते हैं, क्लास नंबर है 6.2.5.1, क्लास नंबर 6.2.5.1। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं कि क्लास कितना है आपका क्रिप का, इसके लिए आपका जो है कोड दिया हुआ है क्रिप 6.2.5। हाँ बिल्कुल सही है, 6.2.5.1 के अंदर आपका दिया हुआ है, ठीक है, थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू आपकी क्या दी हुई है, 4 7 days। अगर 7 days की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो है थीटा की वैल्यू आपकी होती है, यहाँ पे जो है इसको इसके टेबुलर फॉर्म में आप जो है इसको लिख लो कि थीटा की वैल्यू आपकी कितनी होती है। तो यहां से आप जो एक टेबल बना लो, यहाँ पे लिख लो डेज, ठीक है, और यहाँ पे लिख लो थीटा, यानी कि जो है इसको इस तरीके से क्रिप कोफिशिएंट, क्रिप कोफिशिएंट, क्रिप कोफिशिएंट, ठीक है, क्रिप कोफिशिएंट। तो डेज की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे आप जो लिख लेना, अगर 7 days की बात करते हैं, 7 days, एक बात करेंगे अपन 28 days की, और एक बात करेंगे अपन 1 year की, ठीक है, 1 year की। तो क्रिप कोफिशिएंट यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की यहां पे लिख देता हूं मैं थीटा, ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू अपनी हो जाएगी क्या 7 days के लिए 2.2, ठीक है, 28 days की बात करें तो 1.6, एंड 1 year की अगर बात करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगी 1.1। तो ये आपकी जो है किसके अंदर दी हुई है, ये आपका आईएस कोड के अंदर गिवन है अपन को, कहां पे, क्लास नंबर 6.2.5.1, और पेज नंबर की बात करें तो ये है आपको पेज नंबर 16 पे, ठीक है। तो यहाँ से आप जो ये वैल्यू नोट डाउन कर सकते हैं कि अपना क्लिप क्या होता है, ठीक है। तो यहां तक आपको जो है क्लियर समझ में आया होगा, ओके। अब जो है आगे चलते हैं कि अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है क्रिप, उसके बाद में अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कॉन्क्रीट की, और यहां से जो आप लिख सकते हैं कि जो ये क्रिप है वो क्रिप किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, या इसका जो फैक्टर अफेक्टिंग जो कॉन्क्रीट के हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जो आप लिख सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग क्रिप, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिप, कुछ फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिप, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिप। तो ये कौन कौन से फैक्टर है, इसके अंदर जो आप 3-4 फैक्टर लिखेंगे, एक तो आपका मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एक तो हो जाएगा आपका मटेरियल की प्रॉपर्टीज, ठीक है, कौन कौन से टाइप का प्रॉपर्टीज, किस टाइप का आप मटेरियल उसके अंदर यूज कर रहे हैं। अगर दूसरे नंबर की मैं बात करता हूं, दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूं तो आपका हो जाएगा कॉम्पैक्शन, ठीक है, कॉम्पैक्शन। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करता हूं तो आपका हो जाएगा क्यूरिंग पीरियड, ठीक है, कितने टाइम तक आपने उसकी जो है क्यूरिंग करी है, ठीक है। चौथे नंबर की मैं बात करता हूँ, चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे तो हो जाएगा आपका लोडिंग कंडीशन, कि आपको जो आपका लोड है वो किस कंडीशन में आ रहा है, तो यहाँ पे बात करते हैं अपन लोडिंग कंडीशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 5 नंबर पे, वो हो जाएगा आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एक्सपोजर, SURE एक्सपोजर। तो ये आपके जो है क्रिप को जो आपका फिट कर सकता है, कुछ जो इसको अफेक्ट कर सकता है, अगर आपने मटेरियल किस टाइप का लिया है, कॉम्पैक्शन के अंदर आपने कौन सा मेथड यूज किया है, ठीक है, और क्यूरिंग पीरियड आपने कितना रखा है, ठीक है, लोडिंग कंडीशन क्या थी, और एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन यहाँ पे लिख सकते हो आप कंडीशन, ठीक है, एनवायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन। तो इनके ऊपर जो है आपका क्रिप डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां से आपको समझ में आया होगा। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टीज है वो हो जाएगी आपकी श्रिंकेज, क्या क्रिप और श्रिंकेज को जो है मैं एक साथ ही आपको लेके चल रहा हूं कि श्रिंकेज और क्रिप, ठीक है। तो ये क्रिप के बाद में एक प्रॉपर्टी जो हो जाती है अपनी, वो होती है श्रिंकेज, ठीक है। ठीक है, श्रिंकेज, श्रिंकेज, ठीक है। अगर श्रिंकेज की मैं बात करता हूं तो श्रिंकेज अपना क्या है, ये भी अपनी क्या है, एक क्रिप की तरह ही टाइम डिपेंडेंट है, और इसके लिए जो है अपन
0.2% आपने देखा होगा 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस आप यूज करते हैं या श्रिंकेज की अगर अपन बात करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेन की वैल्यू जो होती है वो 0.003 अपन काम में लेते हैं, 0.003, ठीक है। तो ये क्या होता है अपना श्रिंकेज, क्योंकि श्रिंकेज की अगर मैं बात करता हूँ श्रिंकेज क्या होता है, तो श्रिंकेज अपना क्या है कि कोई भी जो आपका मटेरियल है, कोई भी आप स्ट्रक्चर बना रहे हो, कोई भी कंक्रीट आप जो बना रहे हो, तो उसके अंदर क्या होगा कि टाइम के अकॉर्डिंग वो आपकी श्रिंक होती है, ठीक है। टाइम के अकॉर्डिंग आपकी श्रिंक होती है, क्यों? क्योंकि जब आपका जो पहले तो उसके अंदर क्या था, पहले तो उसके अंदर मॉइस्चर था, जैसे जैसे मॉइस्चर आपका सूखता जाएगा तो क्या होगी आपकी श्रिंक होती जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, इसके अंदर क्रैश डेवलप होते हैं और उसके अंदर अपने स्ट्रेंथ जो काउंट करते हैं वो कितने लेते हैं, वो आपका 0.2% ऑफ द प्रूफ स्ट्रेस लेते हैं या फिर जो है 0.003 अपन जो उसके अंदर यूज करते हैं। तो ये अपना होगा श्रिंकेज। अब जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज आती है कंक्रीट की वो बात कर लेते हैं अपन, टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्या? टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को जो है, अब सर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने तो बताया था कि कॉन्क्रीट तो टेंशन लेता ही नहीं है, ठीक है, कंक्रीट को टेंशन लेता ही नहीं है, जो सारा जो टेंशन है वो आपका कौन बियर करता है, वो आपका जो रेनफोर्समेंट बियर करता है। कि अपन ये बात तो मान सकते हैं कि कंक्रीट की जो है टेंशन नहीं लेता है, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, होती तो होगी, क्यों होती होगी अपन कैसे पता कर सकते हैं कि होती होगी, ठीक है, वो कैसे है अपन कुछ टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा एक तो डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, एक आपने स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट का नाम सुना होगा, एक आपने फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट का नाम या फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट का नाम सुना होगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कौन सी होती है, वो होती है फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ। कौन सी होती है? फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की अपन बात करते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट के अंदर कितनी होती है, तो ये होती है आपकी 7 to 15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसकी 7 to 15% आपकी क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, किसके अंदर, कंक्रीट के अंदर। जैसे कि अगर कोई भी आपने जो है एक बीम कास्ट करी, ठीक है, ये बीम आपकी कोई भी एक बीम आपने जो है कास्ट कर लिए इस तरीके से, तो इस बीम के ऊपर अगर आपने कोई लोड लगाया, ठीक है, तो ये बीम आपके तो है नहीं कि जैसे लोड लगाया उसे बिल्कुल एकदम टेंशन के अंदर जो आपकी यहाँ से फ्लेक्चर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है, ठीक है, कुछ तो लोड बियर करेगी, तो वो आपका टेंसाइल फोर्स लेती है, कितना, जो टेंसाइल जो लोड आता है वो कितना, 7 to 15% ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है उसका 7 to 15% अपने क्या होती है उसके अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, किसमें, कॉन्क्रीट में, ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। आगे बात समझे, अगर बात करता हूं मैं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील, ये तो हो गई अपनी कॉन्क्रीट, यहां से जो है आप इसको लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया कॉन्क्रीट। अगर मैं बात करता हूं टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो स्टील के अंदर कितना होता है, स्टील के अंदर अपना होता है 200 MPa, ठीक है, 200 MPa, ठीक है, कितना होता है 200 MPa, क्लियर है यहां तक, ओके, ठीक है, 200 MPa, GPa, और इसको अगर अपन लिख सकते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये आप जो है वैल्यू रखेंगे किसकी यार, कि अगर आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील पूछा जाए तो आप लिखेंगे 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm², और अगर बात की जाए कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितनी होती है, तो जितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी जो है जितनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपकी जो है स्टील के कंक्रीट में होती है उसकी 7 to 15% होती है, किसमें होती है, वो आपकी होती है कंक्रीट के अंदर, ओके। चलो अब टेंसाइल स्ट्रेंथ की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो इसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो टेस्ट होके अपन यहाँ पे थोड़ा सा एक तरह से मोटा मोटा ओवरव्यू देख लेते हैं। तो पहला टेस्ट आपका मैंने बताया था वो होता है आपका डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। दूसरे की अगर मैं बात करता हूं वो आपका होता है स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट। तीसरे की अगर मैं बात करता हूं तो आपका होता है उसको बोलते हैं फ्लेक्चरल टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो तीन टेस्ट आपके होते हैं और ये तीनों टेस्ट किसके अंदर करते हैं अपन, ये तीनों टेस्ट करते हैं अपन यूटीएम के अंदर, यानी कि यूनिवर्सल यूनिवर्सल
यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर जो है अपन ये तीनों टेस्ट करते हैं यूटीएम के अंदर। कि सर डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट कैसे करते हैं, तो आपने देखा होगा यूटीएम जो होती है यूटीएम के अंदर, यानी कि ऊपर इस तरीके से आपका जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसमें जो है एक जबड़ा आपका ऊपर होता है एक जबड़ा नीचे होता है जिसको जो बोलते हैं अपन, ठीक है। तो उस जो के बीच में अपन क्या करते हैं अपना जो सैंपल यानी जो स्पेसिमेन होता है उसको अपन फंसा देते हैं और उसके बाद उसके अंदर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल जो लोड लगाते हैं, तो वो होता है आपका डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, ठीक है। तो उसकी वजह से जैसे कि अपना कोई इस तरीके से आपका जो कोई बीम है, ठीक है, इस तरीके से अपन कोई भी अपना जो मटेरियल है जैसे कि, ठीक है, तो इस तरीके से आपका मेटेरियल और ये क्या किसका अपना ये आपका जो कंक्रीट का है, ठीक है, इस तरीके से अपने उसके अंदर फंसा दिया है, ये आपका जो के अंदर बंधा हुआ है दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से आपका जो के अंदर बंधा हुआ, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है लोड लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, यानी कि इसको अपन को खींचना है, ठीक है, खींचेंगे तो ये क्या होगा आपको खींचेगी, तो इसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे कुछ आपकी एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस आपकी जो डेवलप होगी और उसकी वजह से आपका कंक्रीट फेल हो जाएगा। तो उससे अपन निकालते हैं डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट, ये होता है डायरेक्ट टेंसाइल टेस्ट। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं और ये रीडिंग्स जो आपकी डायरेक्ट आपकी यूटीएम के अंदर जो है डिजिटल यानी जो कर्व आपका बन के आता है तो उसके अंदर आपकी शो हो जाती है। अगर सेकंड बात करता हूं मैं स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट की, तो स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट में अपन क्या करते हैं एक सिलेंड्रिकल बीम बनाते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल बीम बना के और इसके अंदर क्या करते हैं लोड कुछ इस तरीके से अप्लाई करते हैं, ठीक है, दोनों साइड से इसको बिल्कुल एकदम यहाँ आड़ा रख देते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इसके ऊपर क्या किया अपन ने लोड लगाया, तो इसकी वजह से क्या होगा इसके अंदर क्या होगी इसके अंदर कुछ क्रैक्स आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से क्रैक्स आ जाएंगे और ये वैल्यू अपन को क्या दिखाती है वो होती है अपने स्प्लिट टेंसाइल वैल्यू, ठीक है, और यहां से अपन को पता चलता है कि इसके अंदर अपनी टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है। थर्ड की बात करता हूँ फ्लेक्सुरल टेंसाइल टेस्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा किया जाता है कॉन्क्रीट के ऊपर। तो इसके अगर मैं बात करता हूं तो फ्लेक्सुरल टेंसाइल टेस्ट में अपन क्या करते हैं एक बीम कास्ट करते हैं इस तरीके से और बीम की साइज पूछ ली जाती है, बीम की साइज आपकी जो है अक्सर एग्जामिनेशन में कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है कि फ्लेक्सुरल टेंसाइल जो टेस्ट होता है उसके अंदर स्पेसिमेन की साइज क्या होती है। तो स्पेसिमेन की साइज की अगर मैं बात करता हूं तो ये होती है आपकी 100 mm by 500 mm, ठीक है, साइज ऑफ द स्पेसिमेन आपका क्या होगा 100 by 100 by 500 mm, ठीक है, तो ये अपना होता है साइज। तो इसके अंदर क्या किया अपन ने यहाँ पे ये इसको एक बीम की तरह बिहेव करवाया, ठीक है, और यहाँ पे जो है इसके नीचे कुछ आपका जो बेस होता है और इसके ऊपर अपन ने क्या किया पॉइंट लोड लगा दिया, ठीक है, ये डब्ल्यू किलोमीटर का पॉइंट लोड उसके ऊपर अपन अप्लाई करते हैं। तो ये अप्लाई करेंगे तो क्या होगी ये जो है बीम आपकी कुछ इस तरीके से बेंड होगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका जो है इसके अंदर बेंड होगा यहाँ पे, ठीक है, ये इस तरीके से आपकी बेंड होगी। तो अपर पार्ट क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर क्या है एक न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी, तो ये जो न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, इसके अपर का पार्ट जो आपका अपर पार्ट आपका कंप्रेशन में रहता है, नीचे का टेंशन में रहता है। तो जब तक इसके अंदर टेंशन यानी कि जब तक इसकी 75% आपका रेजिस्ट करता रहेगा तब तक तो ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे जो आपकी फ्रैक्चर यानी कि इसके अंदर जो है क्या हो जाती है इसके अंदर आपका बिल्कुल एकदम ये आपकी जो डिटोरेशन यानी कि इसके अंदर फ्रैक्चर टेंसाइल स्ट्रेस जो आपकी डेवलप होने लग जाती है और इसी वजह से आपका जो बीम फेल हो जाता है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेस के अंदर इसके अंदर आपकी जो फ्लेक्चरल वैल्यू है वही आपकी इंपॉर्टेंट है, फ्लेक्चरल वैल्यू है वही आपकी इंपॉर्टेंट है और वो क्या होती है उसकी वैल्यू भी अपन जो यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, उसका भी आप जो है यहाँ पे लिख लो कि इसके अंदर जो फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेस आपको जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला अपन को कोड के अंदर दिया हुआ है और कोड के अंदर जो फॉर्मूला दिया हुआ उसकी मैं बात करता हूं तो वो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, वो आपका फॉर्मूला दिया हुआ कोड के अंदर और यहाँ पे इसको लिखते हैं फ्लेक्चरल जो आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस को लिखते हैं FCR से और इसकी वैल्यू थी 0.7 √FCK, ठीक है, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला है और कोड के अंदर सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है, कौन से कोड में IS-456-2000 कोड के अंदर, मैं पेज नंबर लिख देता हूँ, ठीक है, IS-456 के अंदर क्लास नंबर 6.2.2, ठीक है, ये कहाँ पे अपना क्लास नंबर 6.2.2 का, ठीक है, पेज नंबर 16 पे, ठीक है, आपको ये फॉर्मूला दिया हुआ है FCR का और इसी को क्या बोलते हैं अपन इसको भी एम्पिरिकल फॉर्मूला ही बोलते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्योंकि ये क्या अपना ये अपना एक्सपीरियंस बेस्ड पे आया है, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और ये फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेस आपका क्या करता है ये आपका जो टेंसाइल और कंप्रेशन के बीच में रिलेशन शो करता है। तो एक चीज यहां पे लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन किसके अंदर आपका एक तो कंप्रेसिव स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्रेसिव एंड
टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये जो आपको फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है यही आपका क्या है कि कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेंथ के अंदर रिलेशन आपको शो करता है, ठीक है। तो यहां तक अपना जो है कंप्लीट होता है किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। कंप्लीट तो क्या है, एक प्रॉपर्टीज आपकी जो श्रिंकेज अपना हो गया, एक प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर और लिख सकते हैं वो है आपकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। वो आपकी क्या है, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी शायद अपन ने अभी तक नहीं करी है। तो ड्यूरेबिलिटी की अगर अपन बात करें तो आपका कंक्रीट है जैसे कि आप अपन पढ़ रहे हैं, तो कंक्रीट आपका क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, ठीक है। और आपको पता है कि ड्यूरेबल कब होगा, ड्यूरेबल आपका कब होगा जब आप उसके अंदर जो है अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, अच्छा मटेरियल आप उसके अंदर यूज करेंगे। और ड्यूरेबिलिटी को अगर आपको जो है डिटेल से पढ़ने के लिए क्लास नंबर 8, ठीक है, क्लास नंबर 8 IS 456 पेज नंबर आप देख लेना। आई मेरे को जो पेज नंबर एक्चुअल में भी याद नहीं है, IS 456 2000, ठीक है। उसके अंदर आपको क्लास नंबर 8 में जो है ड्यूरेबिलिटी को डिटेल से दिखाया गया है, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी को डिटेल से दिखाया गया है, ठीक है। कि और ड्यूरेबिलिटी अपने क्या करती है, ड्यूरेबिलिटी अपने को शो करती है कि कंक्रीट इज टू सर्व द पर्पस फॉर विच इट इज द डिजाइन ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफ द लाइफ टाइम, ठीक है। कितने टाइम के लिए अपन ने जो इसको डिजाइन किया है वो अपन को शो करता है, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट जो अपनी नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज की मैं बात करता हूँ, एक प्रॉपर्टीज आप इसके अंदर वो लिख लीजिए, वो आपकी वर्केबिलिटी। कंक्रीट की वर्केबिलिटी भी कंक्रीट की अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वर्केबिलिटी क्या होती है कि कंक्रीट जब अपन ने प्रिपेयर किया, ठीक है, प्रिपेयर करने के बाद में उसको अपन प्लेस करेंगे, ठीक है। तो प्रिपेयर सन से लेके प्लेस करने तक वो क्या होना चाहिए अपना, वो वर्केबल होना चाहिए, ठीक है, वर्केबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपन को क्या करती है, ये अपन को वर्केबिलिटी शो करती है। और इसके भी कुछ टेस्ट होते हैं, वर्केबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि आपका होता है स्लम टेस्ट, ठीक है। स्लम टेस्ट की मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आपसे कौन सा, फ्लो टेबल टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके किसके हैं, ये किसके हैं, वर्केबिलिटी के, ठीक है। तो ये आपका जो फील्ड में जो आप यूज करते हैं, तो स्लम टेस्ट यूज करते हैं, स्लम कोन, ये सारे जो आपके कंक्रीट के पार्ट है। जब अपन कंक्रीट पढ़ेंगे तो इन टेस्ट को जो है डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर इनको जो अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि सर वर्केबिलिटी कैसे बढ़ाए कैसे घटाए, तो कुछ एडमिक्सर्स होते हैं जो आपके क्या होते हैं, वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं। तो यहां से अपन बात कर सकते हैं कि एडमिक्सर इंक्रीज वर्केबिलिटी बट समटाइम डिक्रीज स्ट्रेंथ। तो ये आप जो है नोट डाल के लिख लीजिएगा कि जो आपके एडमिक्सर्स होते हैं वो आपके क्या है वर्केबिलिटी को बढ़ाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं आपके साथ के साथ कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको जो है समझ में आया होगा कि सर कंक्रीट के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि सर आप RCC पढ़ा रहे हो या कंक्रीट पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो बेटा जो है अपना RCC के अंदर रेनफोर्समेंट, फिर उसके बाद में सीमेंट और उसके बाद में कंक्रीट, तो तीनों का आपको बेसिक पता होना जरूरी है कि रेनफोर्समेंट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसके बाद में सीमेंट कौन कौन से टाइप का कहां कहां पे यूज करते हैं, कौन कौन सा IS कोड यूज करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और बात करता हूं मैं कॉन्क्रीट की, तो कॉन्क्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, कौन कौन से ग्रेड का कॉन्क्रीट होता है, कैसे बनाया जाता है, कौन कौन सा टेस्ट उसके अंदर अपन करते हैं, तो ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे RCC का डिजाइन कर सकते हो। क्योंकि RCC का तो है नहीं कि आपने जो रेनफोर्समेंट डाला और उसके अंदर कंक्रीट बराबर हो गया, तो कंक्रीट बनाने के लिए भी तो अपन को क्या होना चाहिए, कंक्रीट की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा अपन जो है स्ट्रक्चर बना रहे हैं और कहां कहां पे उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको आयोग समझ में आया होगा। अब अपने जो आने वाले क्लासेस रहेगी उसके अंदर अपन जो है डिजाइन फिलोसोफीज के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डिजाइन फिलोसोफीज जैसे आपकी वर्किंग स्ट्रेस मेथड है,
ठीक है, अल्टीमेट लोड मेथड है, उसके बाद में अपन लिमिट स्टैंड मेथड की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से लोड्स आपके आते हैं वो अपन सारे आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। कंक्रीट का अपना पार्ट कंप्लीट होता है और उसके बाद में अब अपनी जो एक्चुअल आरसीसी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे अपन जो है कंप्लीट करते हैं या उसको विराम देते हैं। ठीक है, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।